अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाई टीवी। जब सैया भय कुतवाल तो डर काहे का, क्या ऐसा ही कुछ नजर नहीं आ रहा मेरठ सदर थाना क्षेत्र में। सदर थाना क्षेत्र में सरेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है और जुआ घर चल रहे हैं, लेकिन सदर थाना पुलिस उधर से नजर घुमाए बैठी है। आज हद तो तब हो गई जब एक युवक ने खुलेआम शराब बेचने का वीडियो वायरल कर दिया, तो पुलिस को फजीहत से बचने के लिए एक्शन लेना पड़ा। आज ही दूसरी वीडियो भूसा मंडी में सरेआम संचालित जुआ घर का सामने आ गया। यहाँ अच्छा खासा मजमा लगाकर जुआ घर चलाया जा रहा है। वायरल वीडियो में सब कुछ साफ होने के बावजूद पुलिस क्षेत्र अधिकारी का कहना था कि अभी देखा जा रहा है कि ये मामला कहां का है। उनके जवाब को सुनकर भी यही लग रहा था कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मेरठ का सदर थाना कई मानियों में महत्वपूर्ण है। यहां सौतीगंज में वाहनों का कमेला संचालित होता है। मांग के अनुरूप वाहन लाकर यहां उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं। कई दशकों से यह धंधा चल रहा है। कई लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन इस धंधे में कमी नहीं आई। यही कारण है कि सदर थाना क्षेत्र पुलिस पर वाहनों का कमेला चलाने वालों को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं। ऐसा ही एक अन्य मामला, यहाँ शराब का अवैध कारोबार भी है। पैसे लेकर भी कई बार क्षेत्र लोगों में सिर फुटबल होती रही। क्षेत्र नागरिकों का एक शख्स पर सीधा आरोप रहा कि वह पुलिस मिलीभगत व संरक्षण में क्षेत्र में अवैध शराब बेचता है, जिसे क्षेत्र की शांति भंग होती रहती है। आज हद तो तब हो गई जब इस शख्स के ही साले विराट ने अपना ही एक वीडियो वायरल कर दिया। इसमें वह खुलेआम पैसे लेकर शराब बेचता दिखाई दे रहा है। वीडियो में पीछे से आवाज आ रही है कि जब से होश संभाला है मैंने वही काम किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। साथ ही यह आवाज भी सुनाई दे रही है कि यदि सरकार अनुमति दे दे तो। यह वीडियो बता रहा है कि सरकार यानी पुलिस और आबकारी विभाग ने इस युवक को इतनी खुली छूट दे रखी है। संभवतः तभी इस युवक ने साहस करते हुए यह वीडियो वायरल किया। आइए पहले देखते हैं ये वीडियो जो वायरल हो रहे हैं। जब से होश संभाला है मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं दी। इस बारे में पुलिस क्षेत्र अधिकारी हरि मोहन का क्या कहना है, आइए वह भी सुनते हैं। एक टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुआ है, शराब एक आदमी बेच रहा है, तो इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेजा जाएगा। सर, क्या ये गिरफ्तार हो चुका है व्यक्ति? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। सदर थाना पुलिस की पोल खोलने वाला यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आज ही दूसरा वीडियो भी वायरल हो गया। इसमें भूसा मंडी में भारी मजमा लगाकर लोगों को जुआ व सट्टा खेलते हुए दिखाया जा रहा है। भीतर जैसे ही कैमरा गया तो वहां भगदड़ मच गई और सभी नोट व अन्य सामान समेटते इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। इस बारे में जब पुलिस क्षेत्र अधिकारी हरि मोहन से बात की गई तो उनकी परेशानी पर बल साफ देखे जा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ रटे रटाए संवाद दोहराकर एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं पुलिस क्षेत्र अधिकारी हरि मोहन। एक वीडियो सामने आई जिसको देख के ये नहीं पता चल पा रहा कि ये वीडियो कहाँ का है, फिर भी उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी सही कार्रवाई है वैसी कार्रवाई की जाएगी, जो भी लोग दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।